बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक केयर से आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। जो मेरे भाई भी सुधरी भी मिलाते हैं और किसी भी प्राइवेट कंपनी इदारों वगैरह में काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अब डिजिटल सिस्टम आ चुका है, अब तमाम चीज़ें आपको कीवा के थ्रू ही करना पड़ेंगी। आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, आपका सैलरी स्लिप पे वगैरह सब कुछ आपका कीवा के थ्रू ही होगा। पुराना जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट था, पेपर पे चीज़ें की जाती थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। काफ़ी अरसे से कीवा पे जो है वो तमाम चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। अब आपने कभी ट्रांसफ़र यानी तनाजल वगैरह भी लेना है तो वो भी आपने कीवा पे ही रिक्वेस्ट मंगवानी है, उसको एक्सेप्ट करना है और आपको वहीं पे स्टेटस शो होगा कि आपका जो तनाजल का स्टेटस है वो क्या है, पेंडिंग है, अप्रूव हो चुका है या आपकी नई कंपनी की तरफ पेंडिंग है। तो तमाम चीज़ें अब कीवा के थ्रू ही होंगी। जैसे कि आपको पता है कि कीवा पे आपने अकाउंट कैसे बनाना, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो कीवा के थ्रू कीवा से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कीवा की एप्लीकेशन में एक नई अपडेट है। जिन भाई ऑलरेडी कीवा इस्तेमाल कर रहे हैं उन भाइयों को तो पता ही होगा कि कीवा क्या चीज़ है, तो जिन भाइयों को नहीं पता उन वो मेरी वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। तो जिन भाइयों ने कीवा को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इस पर अकाउंट बनाया हुआ है, उनको बताते चलें कि कीवा पे नई अपडेट आई है। नई अपडेट क्या आई है, जैसे ही आप कीवा को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कीवा की सर्विसेज हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं, जिसमें एंड ऑफ सर्विस है, एम्प्लॉय पॉलिसी है, शेयर प्रोफाइल है, इसके बाद चेंज ऑक्यूपेशन है, एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र है, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप जहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, यहाँ पे आपको दिखाते चलें कि कीवा सर्विसेज इन लेबर ऑफिस। अब ये क्या चीज़ है, चलिए आपको इसके ऊपर क्लिक करके बता देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है यू विल बी डायरेक्ट टू बुक अपॉइंटमेंट द लेबर ऑफिस, कि अगर आपको आपकी कंपनी से कोई शिकायत है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, काम को लेकर, सैलरी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो अगर आप लेबर कोर्ट में जो है वो अपनी कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेबर कोर्ट के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। तो वो आप यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बाद आपने क्लिक करना है तो कंटिन्यू पे करेंगे तो ये डायरेक्ट आगे जो मेन इसकी वेबसाइट है लेबर ऑफिस की, वो यहाँ पे पेज आपका नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से अपॉइंटमेंट के लिए आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके प्लस बुक है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपको दिखाते चले यहाँ पे प्लस बुक विजिट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी जो तमाम डिटेल है वो भर देनी है, यहाँ पे इसको इंडिविजुअल कर देना है। उसके बाद जिस रीजन में है, आप मक्का में, रियाज में, जद्दा में, अलकसीम में, जिस रीजन में है, ईस्टर्न प्रोविंस में है तो आप उसमें क्लिक कर दें, मक्का में है तो मक्का में क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑफिस में जो आप जो है वो जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको मदीना भी मिल जाएगा, अलकसीम भी मिल जाएगा, जिजान, आबा, जफूफ, सब तमाम सिटी जो हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो आपने को जो भी सिटी में, जिस सिटी में भी आप रहते हैं वो सिटी आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, मदीना ये जो भी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऑफिस आ जाएंगे, ऑफिस आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा ऑफिस है। उसके बाद आपने अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस डेट को आप जो है वो यहाँ पे जाना चाहते हैं, किस डेट को विजिट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो टाइम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक। उसके बाद यहाँ पे अपने टाइम में किस टाइम को जाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्विसेज आप क्या है, मुसन्नत सर्विस, एब्सेंट रिपोर्ट है, आपने जो आपकी कंपनी अगर हरूफ वगैरह लगाया तो उसका रिपोर्ट करना चाहते हैं वो कर दें आप। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे फ्रेंडली सेटलमेंट लेबर है, कुछ भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज है तो सर्विसेज यहाँ पे अपने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो कन्फर्म का ऑप्शन है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप जो है वो वहाँ पे जाकर अपना विजिट जो है वो कर सकते हैं। आपका जो भी कंप्लेन होगा, आपकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी वहाँ उनके पास चली जाएगी कि आप किस शिकायत के लिए आए हैं, तो आप जो भी शिकायत करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। कीवा में बहुत अच्छी अपडेट है, आप यहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट। किसी भी किस्म का आपको मसला है अपनी कंपनी से रिलेटेड तो आप अपना प्रॉब्लम जो है लेबर कोर्ट में खुद जाकर अपॉइंटमेंट लेकर हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं सऊदी अरबिया से रिलेटेड, लेबर लॉ के मतलब, सऊदी कवानीन के मतलब, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरबिया में रहते हुए आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।